पॉपकॉर्न नहीं है, मखाना है, क्योंकि हवा ना यूट्यूबर्स की चल रही है। जी हाँ गाइस, हमारा पहला यूट्यूबर जो खुद की एक फीचर फिल्म लेके आया है, भले यूट्यूब पर डालिए लेकिन यार यूट्यूब कोई छोटा प्लेटफॉर्म थोड़ी है। बिग बॉस में देखो ना भाई, कैसे एक यूट्यूबर ने पूरी इंडस्ट्री की बैंड बजा रखी है। तो गाइस मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ये फीचर फिल्म के लिए चेकमेट, बिकॉज बहुत टाइम से हाइप बनी हुई थी। इस वीडियो का टोटल रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट। तो इस पूरी पिक्चर की मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अब ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं खींचूंगा, चलो फटाफट से ये मूवी स्टार्ट करते हैं। यार ये चैनल एक कमेंट्री, रिव्यू एंड रिएक्शन चैनल है। अगर आपको सिर्फ म्यूजिक सुनना है और सिर्फ वीडियो देखनी है तो प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर के चैनल पे जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिकॉज इस वीडियो में बीच बीच में वीडियो को पॉज करूंगा और अपने पर्सनल ओपिनियन एंड रिव्यूज दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना। 12 साल पहले ये क्या हाथ काट लिया क्या? वाह, ये लड़का है लड़की मस्ती में क्या मेरी चू क्या व्हाट मेरी बहुत गंदा सुना मैंने, आप भी ध्यान से सुनना। एक सेकंड रुक जाओ, बहुत गंदा साउंड कर रहा है। हो जाएगा। ओके हाँ ये असासिन है। वाह 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 वाह, एजेंट T7, वाह वाह वाह, T1 ये टर्मिनेटर चल रहा है यहाँ पे, मॉडल नंबर दिया हुआ है। डोंट टर्न, बहुत लोगों की आंखें हैं हम पे। वाह, व्हाट इज द न्यूज? वेल सर, आई हैव इन्वेस्टिगेटेड थॉरली एंड यू वर राइट। केयर फॉर यू फार्मा, संत का चोला पहन के कुछ तो पाप कर रहा है। पर बिना किसी प्रूफ के वी कैन नॉट जस्ट रेड ऑन देम। वेल सर, आई हैव मोस्ट ऑफ द प्रूफ स्टोर्ड इन अ चिप एंड उसके अलावा आई हैव फाउंड समवन, प्रोफेसर गुनगुना खन्ना। ये नाम है प्रोफेसर का? उसके बाप का क्या नाम होगा? उगलता खन्ना। सर माँ का नाम होगा खोलती खन्ना। T7, behave. We are discussing a serious mission here. Sorry, sir. So as I was saying, Professor Gunguna Khanna is a frequently visitor at Care for You Pharma. हर 3 दिन में हाजिरी लगाने जाता उधर। क्यों? अगर चिप के साथ साथ, if we can get him, he can be our witness. Good work. And also, I am giving you 2 assistants. Train them. उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 27.2049 डिग्री नॉर्थ एंड 77.7977 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे मिलना है तुम्हें। एंड प्लीज बी अ लिटिल पोलाइट विद देम। सॉरी सर, आई फ्लाई सोलो। ओह राइट ब्रदर, रॉन्ग ख्याल कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? एरोप्लेन का टिकट नसीब नहीं होता मिशन के लिए, यहाँ ट्रेन के जनरल डिब्बे की लैटरिन में बैठ के जाना पड़ता है। सोलो फ्लाई करेगा, चुपचाप इनको अपने अंडर रख।
सिर्फ फिल्मों में एजेंट्स की लाइफ कितनी अच्छी दिखाते हैं ना, गाड़ियां, लड़कियां, पैसा, एंड रियलिटी सक्स। आई विश रियलिटी वाज माय वाइफ। टू सेवन, डोंट लूज होप। एक बार ये मिशन सक्सेसफुल रहा ना, फिर अपना भी मर्ज अप होगा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ, फिर सब होगा अपने पास। बाय द वे, दैट फिल्म यू सजेस्टेड, गुप्त, बढ़िया है। गुप्त अच्छी लग रही है, आधी देख ली है। तो सर अब पूरी देखना ही मत, कजोली किलर है। अबे तेरी अबे अंधे, तू गंदा बैंड खेल रहा है। गंदे का बंदूक तुझे कटनी। ये सही था, गंदे बोलता तू गंदे, कहता बहन के। यार क्या था ये, मेरे को तो पहले सुनाली गांड दे, गांड दे नहीं, गन 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 कन्या। मृदुल बेटा, अंकल ये मेरा दोस्त, वो एकदम सडन प्लान बनाना आउट स्टेशन का, तो आपको बताना ही भूल गया। अच्छा कितने दिन को ले जा रहे बेटा? दो तीन दिन, बस दो तीन दिन फिर आ जाऊंगा मैं। चलें? हाँ अंकल मैं चलता हूँ। क्या नाम है फिर? T-53, वो भी ट्रेनी, T-52 ट्रेनी। अबे ये तो मेरे को टर्मिनेटर के मॉडल लग रहे हैं, रोबोट के। इन आंखों ने जर्रे जर्रे से सजदे लुटाए हैं, न जाने कहां जाके छुप गया है T-7 दीदार तेरा। गजरा भी ले आऊं मैं, नाप दियो T-7 को, बंदी है ना तेरी, उसी का वेट कर रहे हैं हम यहां पर। चूत साला। T-1 ने कोऑर्डिनेट्स यहीं के दिए थे ना मीटिंग के, याद है ना पक्का? इन आंखों में भोपाल का सुरमा डाला है, एक बार जो चीज देख ली वो स्कैन हो जाती है जनाब, यहीं के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कहां रह गए सर? साले तुझे कितनी बार बोला था घर से निकलते हुए मत टोक मत टोक, अभी तो शुरुआत हुई है काम बिगड़ने की। आगे आगे देख, मनुष मेरे गले में अटक। अरे भाई साहब, बता नहीं सकता, पहली बार आपको ऐसे सामने से देख के अच्छा लग रहा है। मदर चो, इसमें गोली क्यों नहीं है? अबे एजेंसी का बजट लो था यार, गोली नहीं है, तुम भाग यहां से। ओ भाई ये क्या, आंटियों की रील चल रही है यहाँ पे? T-7 सर, आई लव यू सो मच। अच्छा डेड बॉडी नहीं है वो, अरे ये तो छुपे हुए हैं। अबे यार ये सही सीन था सर, आई एम योर बिगेस्ट फैन। बोलो जी श्री राम नाम। सत्य है। सत्य बोलो। सत्य है। राम नाम। सत्य है। सत्य बोलो। सत्य है। अबे कहाँ जा रहे हो? लाश मैं हूँ मैं। अरे सालो मुझे ले जाकर जलाओ, नहीं तो कर्जे वाले मुझे जला देंगे। ए भगवान, अब भाई साहब गया, मैं सच्ची में मर गया था, मेरी अर्थी की कसम मैं मर गया था। मरे आदमी से क्या पैसे लोगे? सत्य बोलो। सत्य है। राम नाम। सत्य है। सत्य बोलो। सत्य है। राम नाम। सत्य है। सत्य बोलो।
यार पुनर्जन्म हो गया काका का। वाह ट्विंस वो है ट्विंस। चमत्कार चमत्कार। अबे अर्थी पे पुनर्जन्म हो रहा है क्या? भ्रष्ट बुद्धि पकड़ो उन सालों को। पकड़ो पकड़ो जल्दी चलो। यही है पकड़ो। अरे यही तो है। अरे पकड़ो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी इसको। अरे यही है। अरे पकड़ो 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 पकड़। अरे तेरी रोक है। अबे रोक भागो भागो। वाह 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 वाह। निकल गया। सर पानी और आराम से चलिए। सर को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो ठीक है। सर ये सर है। ये रिक्शा किसका टपा लाया? ये मेरा ही है सर। एजेंसी इतना पैसा तो देती नहीं है। पार्ट टाइम में यही कर लेता हूँ और पर्सनल गाड़ी की तरह भी यूज हो जाता है। रोक साइड में रोक। एक मिनट एक मिनट। आप ये दाहिना पैर आगे रखिए सर। शुभ होता है। अच्छा अच्छा जाएगा। अबे अबे हट ना। सर सर अब बताइए आगे की मंजिल के लिए किस राह चले? हमें हिदायत दें। ये कौन सी गंदी गाली दे रहा है मुझको? नहीं नहीं सर गाली गाली नहीं दे रहा सर आपको। आप तो हमारे आइडल हैं सर। ये पूछ रहा है कि आगे क्या करना है मिशन में। अबे कौन सा मिशन? बस एक ही मिशन पता है मुझको, मिशनरी। चलोगे मेरे साथ? करना है? हटो सामने से। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मैं लड़कों के साथ तो मिशनरी नहीं ना, वो तो डॉगी। अब ये मत पूछो कि मेरे को क्यों पता है। अब वही होगा ना भाई, और कैसे होगा। तो तुम T7 नहीं हो? अबे मैं कुकू हूँ। कुकू 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 कौन कुकू? तो तुम्हारे फोन में इस प्रोफेसर का फोटो क्या कर रहा है? थ्री आवर्स अर्लियर। अच्छा सर। यस न्यू लैब असिस्टेंट सर। फर्स्ट डे। यस सर प्लीज कम। कैन यू प्लीज ब्रिंग दैट 250 ml बीकर फ्रॉम देयर? श्योर सर। हाय हाय। प्लीज हैव अ सीट सर। आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? अबे दारू पीने का या बनाने का? सर कुछ हुआ है क्या? मतलब सुबह सुबह ही? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। जिसको सोचा था इरशाद, कि जिसको सोचा था टाइट्रेशन जैसी गुलाबी निकलेगी गुलाबी, लेकिन वो चारकोल कंपाउंड जैसी काली निकली। गंदा गंदी बातें कर रहे हैं भाई। पिंक सोची थी काली निकली। अरे भाई यार हम इंडियंस के नसीब में यही होता है, अब क्या करें। पना फिर रशियन ढूंढो। सिंपल गुलाम भी चाहिए तो सर बिकनी वैक्स करा देता ना मैडम की, गुलाबी हो जाती। पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर सॉरी। गंदा भाई मेरा भी गंदा दिमाग है सच में। सर वैसे इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या किया भाभी जी ने? क्या किया? अरे ये पूछो क्या नहीं किया। चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। चली गई तो चली गई, लेकिन मेरी जिंदगी भर की कमाई क्यों ले गई? मेरा सोना चांदी हीरे जवाहरात मेरा बैंक अकाउंट तक खाली कर गई।
20 साल छोटी थी मुझसे, 20 साल। एज गैप खत्म करने के लिए मैंने उसकी उम्र के लौंडों के साथ दोस्ती करी, ये हमारे कॉलेज के छिछोरे लौंडे से उसकी भाषा सीखी, अजीब अजीब सी भाषा बोलते थे। ये देखो मुझसे अजीब अजीब से मैसेजेस करवाता था, ये देखो लिखा हुआ है मेक दैट पुसी मियाउ फॉर मी। मेरे पास कोई बिल्ली नहीं है। नहीं नहीं सर, बिल्ली तो थी आपके पास, वो तो बस आपका चूहा उसे देख ही नहीं पाया। चूहा? देख लिया उसने। कोई नहीं, होता है, सबके साथ होता है, आप टेंशन मत लो, आज आपके सारे दुख दर्द ठीक कर दूंगा। अबे लोमड़ी साला फालतू का असासीन है वो। मिस्टर मिश्रा हाय, योर पेपर वर्क इज रेडी, वेलकम ऑन बोर्ड एज अ लैब असिस्टेंट टू प्रोफेसर खन्ना। बाय द वे आई मस्ट टेल यू दिस, प्रोफेसर खन्ना इज अ बिग प्रैंकस्टर सर, इतने मजाक करते हैं ना क्या ही बताऊं। एनीवेज लैब इज ऑन द थर्ड फ्लोर, यू मे गो नाउ एंड जॉइन हिम एंड ऑल द बेस्ट। रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैम, थैंक यू। ओह शिट, क्या बताया तुझे? किसने भेजा तुझे? वो भाई एक्चुअल में मार दिया, हार्ट में बिल्कुल, वैसे हेड मारना चाहिए था, मजा आ जाता यार, लेकिन मतलब मार दिया सच में, मर्डर। अबे अबे अंदर मत गोली चला देना। मुझे पता है अगला सीन क्या होने वाला है, कॉमेडी होने वाली पक्का, क्योंकि असिस्टेंट ने बोला था ना वहां पे कि प्रोफेसर कॉमेडी मजाक करता है। सर 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 सर, इतने मजाक करते हैं ना क्या ही बताऊं। देखा, गुड वन सर, गुड वन, मैम सही कह रही थी, व्हाट अ प्रैंकस्टर यू आर, इस उम्र में भी अंदर का बच्चा जिंदा है आपका। कितनी रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे हो सर, और ये सॉस कौन सी है, इतनी गाढ़ी, छी, इतनी कड़वी, चिली सॉस है क्या सर? आ आ आ, मजा आएगा सर आपके साथ काम करने में। गया, टपक गया। सर 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 सर, तेरी माँ का सिग्नल तोड़ू, मेरा फोन दे। ये क्या हुआ? अनजान लोगों के हाथ से पानी नहीं पीते, सेकंड डिग्री सेडेटिव। अबे तू पागल वागल है क्या, ये सच में T7 हुआ तो? तब भी यही करता, एजेंट बनने का पहला रूल, नेवर ट्रस्ट एनीवन, और मैं तो खुद से वफा नहीं निभाता तो इससे क्या? क्या बोल रहा है भाई, एजेंट का रूल सीधी भाषा में समझा दिया था ना, तो ये वफा नफा का चोट करना जरूरी है क्या? और ये जेम्स बॉन्ड के जूते से गालिब का पैर निकाल के बात किया कर मुझसे, समझ आती है तुझे? अबे कैसे बैठा हुआ है? अब ये सोच कि ये T7 नहीं है तो T7 कहाँ है? अल्फाज हाइड आउट।
प्ले माय थीम म्यूजिक। वाह। अबे हाय आम अल्फा। कितने हरामी लोग हैं यार, ऐसे कौन पूछताछ करता है? बातें प्यार से भी तो हो सकती हैं। इनकी तरफ से सॉरी यार। चलो तुम मुझे बताओ, केयर फॉर यू फार्मा की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी है? हाँ? हाँ ये क्या जापानीज? कौन मिला ही चाय? अलेक्सा अभी मेरे म्यूजिक का टाइम है क्या? बंद कर चूके। ए इधर आ। बोला था ना भाभी के सामने आंखें बंद रहेंगी। किस पे हंस रहा था तू? मुझ पे? नहीं नहीं अल्फा। ओह यू लाफ्ड एट माय गर्ल। नहीं अल्फा सॉरी गलती हो गई। हा 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 किस पे किया अल्फा? मेरी गलती है। किस पे हंस रहा था तू अल्फा? वो तुम्हारी नोक चोक थी। ओह मेरा प्यार मेरा रिलेशन सब मजाक है तेरे लिए, उस पे हंस रहा था तू? नहीं अल्फा मैं समझाता हूँ। साहब समझ गया। चलिए एक काम करते हैं, केबीसी खेलते हैं। ऑप्शन ए, जिस जुबान से आपने हा 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 किया है वो जुबान कटवाना चाहेंगे, या फिर ऑप्शन बी गोली खाना चाहोगे। के दो ऑप्शन। अरे 50-50 लाइफलाइन लग गई यार, दो ऑप्शन गायब। अब जल्दी से 3 सेकंड के अंदर अंदर ऑप्शन चूज करो, वरना फिर मुझे चूज करने पड़ेंगे। एक दो तीन। ऑप्शन है। जुबान। अलेक्सा अल्फा नहीं अल्फा अल्फा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अल्फा अल्फा ऐसा मत करो। अल्फा अल्फा नहीं अल्फा अल्फा प्लीज अल्फा चले यहाँ से। अल्फा 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 नहीं अल्फा अल्फा प्लीज अल्फा 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 नहीं अल्फा अल्फा प्लीज अल्फा छोड़ दो। अल्फा अल्फा प्लीज छोड़ दो। अल्फा 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 नहीं अल्फा। अबे मटन का चिकन जो भी था। शाइनी खुम सुकब कर दे प्रार्थना शाह सच सकलात यखेम कब कर दे चैन। जापानीज तो नहीं लग रही है भाई, ये कौन सी भाषा बोल रही है? खाने खाए था मैं खून खान खर्थ है। ओए तू थाई बोलता है? थाई। अच्छा थाई थाईलैंड बैंकॉक। ओए हाय क्या बोल के गई है? आई लव यू बोल के गई। हाँ उसने गाली दी थी भाई। आई लव यू टू बेबी। मदर टकर बोला उसने। एक साल पहले की बात है, थाईलैंड से भगा के लाया था लमाई खोंग सॉन्ग को। सोचा लैंग्वेज का क्या है, प्यार में तो दो बातें ही काफी हैं। और टपटप बहन चो दो बातें समझ तो आए।
एक बार बड़ी मुश्किल से मैंने थाई में एक वर्ड सीखा था, हुज योर डैडी। गलती से यू की मात्रा इधर उधर हो गई, हुज योर डैडी की जगह हाउज योर डैडी निकल गया। बस फिर क्या है, सारी रात कपड़े कपड़े पहनकर इसके बाप के टट्टों के कैंसर के बारे में बात की हमने। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। तू फरिश्ता है मेरे लिए भाई। ओए, हाथ खोलो मेरे भाई के, हाथ खोलो। हाँ, मेरी बात सुन। एक प्यार करने वाले को सिर्फ वही इंसान मिला सकता है जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो। ओहो, बता मुझे कौन है वो? हाँ, हार्ट अटैक हुआ क्या? नहीं, खाना लग गया है। डोलची है गोल, बोलू मैं बोल। मैं ये पासपोर्ट पूरा नहीं करूंगा। शटर खोलो, इट्स एन ऑर्डर। अटेम्प्ट वन फेल, टू लेफ्ट। डोलची है गोल, बोलू मैं बोल। मैं नहीं बोलूंगा। अरे इसे भाईया पासपोर्ट नहीं मिला था क्या? अटेम्प्ट टू फेल, वन लेफ्ट। डोलची है गोल, बोलू मैं बोल। गंडवा खड़ा किवाड़ पे, जरा दरवाजा तो खोल। डजवा सॉरी सर, बट आप ही ने सिखाया एजेंसी रूल सबके लिए सेम होने चाहिए। हाँ, चाहे उसके लिए तुम्हारा सुप्रीम लीडर गणवा क्यों ना कहलवाए। जी सर। वेल डन बॉयज, वेल डन माय बॉयज। सुनो, अरे शटर बंद नहीं हुआ, नीचे से कोई आ जाएगा भाई। शटर बंद ही नहीं हुआ, शटर खुला रह गया, कुत्ता बिल्ली सब आ जाएंगे। वैसे तो इंसान भी आ जाएगा जितना खुला हुआ है। सीक्रेट एजेंसी को पब्लिक के आंखों से बचाने के लिए हमें ये चाहिए कि किसी को ना पता चले कि हम कौन हैं। गाइस, कम ऑन। अपनी आइडेंटिटी को अपने गुप्त अंगों से भी ज्यादा गुप्त रखो। ओके? यस सर। सो व्हाट इज द स्टेटस? सर दोनों सिंगल है सर। दोनों सर। जैसे गाइस अभी एक वो लास्ट वाले सीन में एक थोड़ा सा वो शटर खुला रह गया था ना, पता नहीं वो मिस्टेक थी क्या थी, मुझे नहीं पता, बट अगर एक सीन देखोगे तो शायद मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि वो तो प्रॉपर हाइड आउट है ना भाई, ऑब्वियसली हाइड आउट है तो बंद होना चाहिए। और इससे पहले एक और वो गोली वाला सीन नहीं था, प्रोफेसर को गोली मारी थी। तो देखो, मेरा बोलने का बस मतलब ये है कि जब एक मूवी बनती है ना तो बजट थोड़ा उस हिसाब से होता है। मैं ये नहीं बोल रहा ऑब्वियसली तुम 100 करोड़ 200 करोड़ के बनाओ, यूट्यूब के हिसाब से बन रही है, लेकिन अगर कुछ शर्ट थोड़ी सी फटी हुई होती और कुछ काला काला सा कर देते ना तो लगता कि हाँ एक्चुअल भाई गोली लगी है छाती पे, वरना सिर्फ ऐसे लग रहा था कि छाती पे सिर्फ एक खून रखा हुआ है। बट यार डिटेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। व्हाट इज द स्टेटस? सर दोनों सिंगल है सर। दोनों सर। स्टेटस ऑफ हॉस्टेज। ओह वो बोरा सर। खोलो मुझको, चूतिया खोलो। तुम कितनी देर तक रखोगे हैं? तुम जानते नहीं हो कौन हूं मैं।
कॉल। अबे ओ, सब जानते हैं हम, ठीक है? सीडेटिव के इन्फ्लुएंस में सब कुछ बता दिया है तूने। सब बता दिया? वाह। सॉरी यार, वो मेरी गलती नहीं थी यार, मैं नशे में था और भाभी भी नशे में थी। भाभी मुझको कहती वाह कुक्कू, तूने अपने कुक्कड़ में कितना माल जमा के रखा हुआ है। अरे भाई साहब, इसलिए हो गया। हम असैसिन वाले राज की बात कर रहे हैं। ओह, असैसिन वाले, उसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं उसकी, तो सही है वो तो। वेट 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 वेट, व्हाट असैसिन? सर, सीडेटिव के इन्फ्लुएंस में इसने बताया था कि एक असैसिन है, डार्क वेब के थ्रू हायर हुआ था प्रोफेसर को मारने के लिए। हायर किसने किया ये तो अभी तक नहीं पता लग पाया, क्योंकि अच्छा डार्क वेब के थ्रू, ओके, आइडेंटिटी वहां एनोनिमस रहती है। पहला मर्डर है यार, और आखिरी, अगर मुझको पता होता ना कि इतने पंगे होते हैं असैसिन बनने में तो मैं क्यों ही बनता यार, प्लीज छोड़ दो मेरे को यार। मैं बात दूंगा, बता रहा हूं। प्लीज भाई यार मत हंसो, मेरी हाइट छोटी है तो क्या मैं असैसिन नहीं बन सकता? अगर तुम्हें सास है छोटू, अबे अल्पली भी के लॉलीपॉप। चल बांध लिया तो बता कैसे मारा प्रोफेसर को। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रोफेसर बन के उसी कॉलेज में गया, और वो प्रोफेसर उस कॉलेज में अपने भाई को ढूंढने आया था, और वो स्टूडेंट बन के रह रहा था। उसने मस्त शिफोन साड़ी वाली एक टीचर भी पटा ली थी। मैडम हॉर्टी। अरे, और फिर मैंने एक दिन सबको किडनैप कर लिया, टीचर स्टूडेंट प्रिंसिपल सबको, और मैंने प्रोफेसर को धमकी दी कि अगर तू चाहता है मैं सबको ना मारूं तो मुझसे मिलने आ। और जैसे ही वो मुझसे मिलने आया, व्हाट अ मास्टरफुल प्लान। बेटी चोदो, मैं हूं ना कि स्क्रिप्ट सुना रहा हूं मैं। ये एजेंट हायर करे सरकार ने, और ये कैसे हाथ बांधे मेरे हैं, मेरे पैर भी खुले हुए हैं, भागने को भाग सकता हूं ना मैं, फिर भी इज्जत से बोल रहा हूं कि खोल दो मेरे को। बैठ। नहीं बैठ रहा। बैठ। नहीं बैठ रहा। बैठता है क्या? बैठ। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूं, सही सही सोच के बता कौन है तू। ठीक है, मैं सोच के बोलता हूं। हाँ, मैं एक असैसिन हूं। G42 in 380 auto with ultra compact dimension and easy to shoot characteristics. Bullet size 0.380 and weight with fully loaded magazine around 500 gram. Good weight. In case bullet khatam ho jaye, to sar par market discount. Body dead, money in. Discount. So okay guys, मैं यहाँ पे pause कर देता हूँ, part 1 इधर ही खत्म कर देता हूँ, तुरंत मैं part 2 डाल दूंगा, तो please continue वहाँ पे कर लेना। तो guys, तीनों part का मैं playlist बना दूंगा, 1, 2, 3, आप please तीनों देखना, obviously वरना आपको part 1 देख के part 2, part 3 भी देखना पड़ेगा, वरना आपको story नहीं समझ में आएगी। और हाँ, मैं ना जब मूवी देखता हूँ तो डिटेलिंग में मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रहता है भाई, क्योंकि यार वही एक अच्छी चीज होती है, डिटेलिंग, है ना। आई कैन नॉट वेट फॉर पार्ट टू, देखते हैं भाई ये क्या स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है और कितना एक्शन आता है, और पूरी मूवी का रिव्यू ऑब्वियसली पार्ट 3 में दूंगा कि मुझे कैसा लगा। चलो जल्दी मिलता हूँ मैं आपको, बाय बाय।